हेलो जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और ये देखिए मेरा बोतल का प्लांट जो मैंने खुद से पेंट किया, और इसमें मैंने टेंगल हार्ट को लगाकर टांग दिया है। और ज़्यादातर मैंने वेस्ट में ही लगाए हुए हैं। ये भी एक बोतल है जिसपे मैंने पेंट किया हुआ है, और इसमें मैंने टर्टल वाइन लगा दी है। और जो इन्वर्टर में जो पानी आता है ना, उसका मैंने ऊपर का पार्ट अलग यूज़ किया और नीचे का अलग। तो इन ऊपर के पार्ट में मैंने स्पाइडर प्लांट और मॉस रोज वगैरह लगा दिए हैं। अभी फ्लावर तो नहीं आए हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद इसमें भी फ्लावर आ जाएंगे। और ये अमरूद का प्लांट है, काफ़ी सारे अमरूद लगने शुरू हो चुके हैं। और ये देखिए नीचे के पार्ट में मैंने मोगरा प्लांट वगैरह लगाए हुए हैं, और ये मटकी में भी मैंने स्पाइडर प्लांट लगाया हुआ है। और ये देखिए इसमें बेबी प्लांट निकल चुके हैं। तो ऐसे ही मैंने ज़्यादातर वेस्ट में लगाए। देखिए कप में मैंने हावर्थिया का प्लांट लगाया हुआ है जो काफ़ी घना हो चुका है। और ये मेरा एरिका पाम लगा हुआ है साथ में, और सुख शांति का प्लांट है। तो देखिए छोटे छोटे डब्बों में भी मैंने प्लांट लगाए हुए हैं। और गेंदा के प्लांट थे जो मैंने काफ़ी लेट लगाए थे, और ये गृहलक्ष्मी का प्लांट है जिसमें दोबारा से अब फ्लावर हुई है। और गेंदा के प्लांट में अब फूल निकलने शुरू हुए हैं। तो लेट लगाए थे तो लेट ही निकलने शुरू हुए। और ये रेन लिली का प्लांट लगा हुआ है, और एक टमाटर का प्लांट खुद से ही उगाया था। और ये मेरा गुलदावरी का प्लांट है, ये भी मैंने वेस्ट में ही लगाया हुआ है। और ये देखिए ये भी स्पाइडर प्लांट वेस्ट में है, और ये भी मॉस रोज भी, और अब गेंदे में अब फ्लावरिंग हुई है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं। और ये एक फोर ओक्लोक का प्लांट है, और ये देखिए मेरा गुड़हल का प्लांट। इसमें मैंने बहुत ही कम मिट्टी का यूज़ किया है। जो बाल्टी है, मैंने इसमें पहले वेजिटेबल वगैरह के छिलके थे, जो किचन वेस्ट था, मैंने उसी से अपनी बाल्टी को भरा है। और पिछले साल मैंने ये किया था, अब तक मैंने इसमें कोई खाद भी नहीं दी है, और कलियां बननी शुरू हो गई है। जो भी खाद मैं यूज़ करती हूँ वो सिर्फ मैं गोबर खाद वगैरह ही करती हूँ जो फ्री की होते हैं। मैंने अभी तक कोई भी बाजार से कोई भी खाद नहीं लिया। ये देखिए मेरी बाल्टी है जिसको मैंने भी भरा था, मिट्टी बहुत कम ही यूज़ किया। और ये सिंगोनियम का प्लांट है, आप देख सकते हैं। और ये है स्नेक प्लांट जो एक से काफ़ी सारे बन चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और अभी मैंने एक ही पार्ट को शूट किया है।